आज के इस काउंटडाउन में कुछ ऐसी सीरीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसमें आपको सीन्स भर भर कर मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसी वेब सीरीज के बारे में जो कि बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है, और ये सभी सीरीज चाहे तो आप लायन गेट प्लस पर भी देख सकते हैं और अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी। नंबर 7 पर है नाचो। डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2023 में। कहानी एक्चुअल में एक ऐसे पी स्टार के लाइफ को दिखाती है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सीरीज आपको 90s के दशक में ले जाते हैं जहां पर बी ग्रेड मूवी किस तरह बनाई जा रही होती है और इसके सुपरस्टार कौन थे, ये सभी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 6.3। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं लायंसगेट प्ले पर और दूसरी तरफ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी। सीरीज फिलहाल दोस्तों हिंदी में अवेलेबल नहीं है। नंबर 6 पर है पी वैली। रोमांस और ड्रामा के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2020 में। इसके टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। दोस्तों इसकी कहानी भी आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाली है। ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में क्लब में काम कर रहे कुछ लड़कियों के लाइफ को दिखाती है और उनकी लाइफ क्लब में कैसी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 7.4। सीरीज अमेज़न और लायंसगेट प्लस दोनों पर ही अवेलेबल है। सीरीज फिलहाल दोस्तों हिंदी में रिलीज नहीं की गई है। नंबर 5 पर है मैनेक्स। डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2022 में। सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है 90s से, जहां पर एक कंपनी मेल मैगजीन बना रही होती है, यानी कि एक ऐसी मैगजीन जिसमें सिर्फ मर्दों की ही तस्वीर रहेगी और ये मैगजीन स्पेशली वुमेन्स देखा करेंगे। और असल में ये मैगजीन किस टाइप की है और इस मैगजीन को किस तरह वो कंपनी प्रोड्यूस करती है और पब्लिश करती है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 7.6। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं लायंसगेट प्ले पर। नंबर 4 पर है हिल्स। एक्शन, स्पोर्ट्स और ड्रामा के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2022 में। इसके टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में एक स्पोर्ट्स ड्रामा को दिखाती है, यानी कि यह पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है स्पोर्ट्स रेसलिंग के ऊपर, यानी कि एक रेसलिंग चैंपियनशिप और इस रेसलिंग स्पोर्ट्स में कौन कौन भाग लेते हैं और लास्ट तक इस गेम को कौन जीतता है, इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है यह पूरी की पूरी सीरीज। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि स्पोर्ट्स ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 8। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं लायंसगेट प्ले पर। सीरीज दोस्तों बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है। इसे फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस। रोमांस और ड्रामा के ऊपर बनी इस सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2016 में। इसके टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे कॉलेज स्टूडेंट से जो कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक अलग ही बिजनेस कर रहे होते हैं, और असल में ये अलग बिजनेस क्या है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। ये सीरीज स्पेशली बच्चों को ना ही दिखाए तो ठीक है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 7। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं लायंसगेट प्ले पर। सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 2 पर है पावर। क्राइम, थ्रिलर और एक्शन के ऊपर बनी इस सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2016 में। इस सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2014 में। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे नाइट क्लब ओनर से जिसके क्लब पर बहुत सारे गैंगस्टर की नजर रहती है, लेकिन ये नाइट क्लब ओनर अपने क्लब को किसी भी तरह से उन गैंगस्टर के हाथों से बचाना चाहता है, और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 8.1। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं लायंसगेट प्ले और अमेज़न प्राइम वीडियो पर। इसे हिंदी में रिलीज नहीं की गई है। सीरीज बच्चों से दूर ही रखे तो ठीक है। नंबर 1 पर है स्पार्टिकस। हिस्टोरिकल ड्रामा और एक्शन के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2010 में। इसके टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। कहानी एक्चुअल में रोम के पूरे हिस्ट्री को दिखाती है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी सीरीज स्पार्टिकस के पूरे लाइफ को दिखाती है कि किस तरह उन्हें पकड़कर रोम लाया जाता था और किस तरह उन्हें ग्लैडिएटर बनाया जाता था और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें किस तरह लड़ाया जाता था, और ये सभी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि हिस्टोरिकल ड्रामा और एक्शन सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज दोस्तों फिलहाल हिंदी में रिलीज नहीं की गई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 8.5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर और लायंसगेट प्ले पर। सीरीज दोस्तों फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।